हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले हमने स्टडी किया था रैशनल नंबर्स के बारे में, रैशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, रेसिप्रोकल के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। आज की वीडियो में भी हम रैशनल नंबर्स टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक रैशनल नंबर्स। और आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कैसे हम गिवन टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। मतलब हमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, उनके बीच में रैशनल नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको किसी भी वीडियो के अंदर कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के प्रोसेस को जानने से पहले हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। बिटवीन एनी टू इन रैशनल नंबर्स दे आर इनफिनाइट रैशनल नंबर्स। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी दो रैशनल नंबर्स हों उनके बीच में हमेशा इनफिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं 3 और 4। अब तक हमने जो स्टडी किया है 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता, 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता। 3 भी एक रैशनल नंबर है, 4 भी एक रैशनल नंबर है, मगर एक्चुअली में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, 3 और 4 के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको आगे प्रूव करूंगा कि कैसे हम 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस जब डिनोमिनेटर सेम होगा और सेकेंड केस जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। मतलब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है 7/6 और एक है 5/6। अब इसमें भी हमारे पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे यहाँ 6 और 6 डिनोमिनेटर सेम है तो इसके लिए अलग मेथड होगा, और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे इसके लिए एक अलग मेथड होगा। तो दोनों मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और दोनों मेथड्स में कुछ सिमिलैरिटी भी है उसको भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट केस से, When denominators are same। इस स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कुछ स्टेप्स के बारे में जिसकी हेल्प से हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है, When denominators are same। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, सबसे पहले जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे, हम देखेंगे न्यूमरेटर्स के बीच में डिफरेंस सफिशेंट है या नहीं है। यानी कि हमसे पूछा जाए कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं, डिनोमिनेटर्स तो सेम है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे न्यूमरेटर्स के बीच में इतना डिफरेंस है या नहीं है कि उसके बीच में 3 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर 3 उनके बीच में सफिशेंट डिफरेंस है जितना हमसे रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं तो हम उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेप टू, अगर न्यूमरेटर्स के बीच में उतना डिफरेंस नहीं है जितना हमसे पूछा जाए, मान लीजिए हमसे पूछा गया कि आपको 30 रैशनल नंबर्स निकालने हैं मगर न्यूमरेटर्स के बीच में डिफरेंस है सिर्फ 7 नंबर्स का, तब हम क्या करेंगे, हम दोनों रैशनल नंबर्स को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनके बीच का डिफरेंस 13 से बड़ा हो जाए। किससे बड़ा हो जाए, 13 से बड़ा हो जाए ताकि हमें रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स मिल जाए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस दोनों न्यूमरेटर्स का बड़ा हो जाएगा, तब हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा केस है जब
डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो चलिए इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको समझने की हेल्प करते हैं। रूल अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, मगर जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको अच्छे से ये रूल्स समझ आ जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम फाइंड करते हैं, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हमें कोई भी दो रैशनल नंबर्स गिवन है उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। आज का टॉपिक ये है और हम इसको एग्जांपल्स की आपसे समझना शुरू करते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स होंगे, मान लीजिए हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/5 और दूसरा रैशनल नंबर है 9/5, और इनके बीच में हमें टू रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? टू। तो सबसे पहला केस हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। अभी हम फर्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर कौन सा केस है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है डिनोमिनेटर, यहाँ भी 5 है, क्लियर। अब डिनोमिनेटर जब सेम है उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम न्यूमिनेटर पे जाएंगे। यहाँ न्यूमिनेटर 3 है या न्यूमिनेटर 9 है। अब न्यूमिनेटर 3 और 9 के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, तो 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 6 आता है, यानी ये 2 से बड़ा है। तो अब हम सीधा रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, टू रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं जो 3/5 और 9/5 के बीच में आएंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, सीधा आंसर लिख सकते हैं 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 फाइव रैशनल नंबर्स आ गए हैं। इसमें से आप कोई भी दो रैशनल नंबर्स को आंसर के रूप में लिख सकते हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, डिनोमिनेटर चेक कीजिए, अगर डिनोमिनेटर सेम है उसके बाद आप चेक कीजिए न्यूमिनेटर को, और उसके बाद चेक कीजिए न्यूमिनेटर के बीच का डिफरेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए आपके क्वेश्चन से। हमारे क्वेश्चन में टू रैशनल नंबर्स पूछे गए थे, यानी इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 3/5 सेम ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, 9/5 ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें निकालने हैं 11 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं इनके बीच में? 11 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, ये फर्स्ट केस था हमारा। अब हम न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, न्यूमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 9 - 3 = 6, 6 का डिफरेंस आ गया है। मगर हमें कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 11 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी 11 रैशनल नंबर्स, यानी मगर डिफरेंस तो कम है 11 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों रैशनल नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मगर कोशिश कीजिए थोड़ा बड़ा नंबर लीजिए, ताकि आपको जो डिफरेंस है न्यूमिनेटर्स के बीच में फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाए। तो मैं सपोज करता हूँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो याद रखिए, जब भी आप किसी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ 5 से किया है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से किया है। तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 9/5 × इसको मैंने 5 से किया तो इसको भी 5 से करेंगे, 9/9 = 45, 25। याद रखिए, जब भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तभी आप दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी 25 डिनोमिनेटर, यहाँ भी 25 डिनोमिनेटर, दोनों सेम है। अब हम 45 और 15 का डिफरेंस निकालते हैं, तो ये 30 आ जाता है, जो कि 11 से बड़ा है। जो 30 है वो 11 से बड़ा है। तो आप आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आप आंसर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ आंसर। आप कोई भी 11 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, ऐसे आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और कहाँ तक लिख सकते हैं, 45 से 44/25। ऐसे आप कोई भी 11 रैशनल नंबर्स को ले लीजिए, 11 रैशनल नंबर्स को ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको प्रोसेस हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है,
उसके बाद आपको न्यूमरेटर चेक करना है। न्यूमरेटर चेक करने के बाद आपको देखना है कि जो उनका डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड जो आपके नंबर्स हैं उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप आसानी से सीधा उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में आंसर लिख सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि थ्री और फोर के बीच में भी इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूव करेंगे। मान लीजिए थ्री और फोर के बीच में आपको 20 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। कितने रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है? 20 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। मगर अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज करें तो हमें पता होगा कि थ्री और फोर के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आता, थ्री और फोर के बीच में कोई नंबर नहीं आता, मगर हमें कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं? 20। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे। थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं रैशनल फॉर्म में? थ्री अपॉन वन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और फोर को कैसे लिख सकते हैं? फोर अपॉन वन की फॉर्म में। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं, मगर हमें 20 नंबर चाहिए, तो हम किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप किससे कीजिएगा? बड़े नंबर से। कोशिश कीजिए बड़े से बड़ा नंबर लेके आपको 20 करना है, तो आप कर सकते हैं, आप कोई बड़ा नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आप 100 ही ले लेते हैं। चलो, जिस नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया उससे नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा? 300/100। अब आपको जिस नंबर से आपने एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया दूसरे से भी वैसे ही करना पड़ेगा, और जिस नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसको डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 400/100। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कितना है? 400-300, कितना डिफरेंस है? 100। ये 20 से ज़्यादा है। अब आप आंसर लिख सकते हैं, सिंपल सा है। 301/100, 302/100, 303/100, 304/100, 305/100, 306/100। ऐसे ही आप इस प्रोसेस को चला सकते हैं और 20 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर पर जाइए, न्यूमिनेटर के बीच का डिफरेंस देखिए, वो आपसे जो भी क्वेश्चन है पूछा गया उससे बड़ा होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स को लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सेकंड केस पर चलते हैं जहां डिनोमिनेटर डिफरेंट थे। अब हम सेकंड केस पर चल रहे हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब इस केस के अंदर आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, बाकी तीनों स्टेप सेम होते हैं, जैसा कि आपने पिछले केस में किया था जहाँ डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब भी रैशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो हमें डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर अब डिनोमिनेटर सेम है तभी हम न्यूमिनेटर पर जा सकते हैं, मगर इस केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको पता है कैसे लिया जाता है, एलसीएम लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम के इक्वल कर देंगे। हर एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसे हम एलसीएम के इक्वल कर देंगे। जब एलसीएम के इक्वल हो जाएगा यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो हम वही मेथड अपनाएंगे, न्यूमिनेटर चेक करेंगे। अगर न्यूमिनेटर का डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस से ज़्यादा है तो हम सिंपली दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के जो नंबर है उसे हम लिख देंगे एज द आंसर। अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस कम है रिक्वायर्ड नंबर से, तो हम दोनों रैशनल नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें बड़े न्यूमरेटर्स मिल जाएं जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है, तो तब हम दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स को लिख सकते हैं एज ए आंसर। बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, जब भी दो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हमें उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? उनका एलसीएम लेना है, और फिर हर एक डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बना देना है, जिससे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और फिर हमारा पुराना प्रोसेस रिपीट होगा। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4/5 और ले लेते हैं 7/15। अब इसके बीच में हमें 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा डिनोमिनेटर चेक कीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 15 है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा एलसीएम लेना। हम 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, आपने सीखा है 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यूज करते हैं,
एलसीएम निकालने के लिए 5 1 5, 5 3 15, 3 1 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ गया 15। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हर एक डिनोमिनेटर को, यहाँ जो डिनोमिनेटर है 5, जो फर्स्ट रैशनल नंबर है 5, इसका जो डिनोमिनेटर है इसे भी मुझे 15 बनाना है और सेकंड डिनोमिनेटर को भी 15 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, 4 बाई 5, 5 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तभी तो 15 बनेगा। और एक रैशनल नंबर में हम जिस भी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रैशनल नंबर सेम रहे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा, 12 बाई 15। अब एक रैशनल नंबर को का डिनोमिनेटर तो हमने 15 बना दिया, दूसरा नंबर लेते हैं 7 बाई 15, 15 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी करेंगे, ये क्या आ जाएगा 7 बाई 15। अब चेक कीजिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मगर अब हम न्यूमरेटर पे जाएंगे, न्यूमरेटर को चेक कीजिए, एक न्यूमरेटर 12 है दूसरा 7 है, दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कीजिए 5, मगर 5 तो छोटा है 7 से, यानी कि हम सीधा इन दोनों के बीच रैशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते एज ए आंसर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा न्यूमरेटर्स को बड़ा, तो हम किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी च्वाइस का होना चाहिए कोई भी नंबर। मान लीजिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई किया उस नीचे भी करेंगे, 12 5 60 बाई 75। दूसरे नंबर करते हैं 7 बाई 15, पिछले रैशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया था इसको भी 5 से करेंगे, 15 5 जा 75 7 5 जा 35। तो अब हमारे पास ये रैशनल नंबर आ चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम है, अब आप चेक कीजिए 60 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा। अब जो 25 है वो ग्रेटर है 7 से, हाँ ग्रेटर है, तो हम सीधा आंसर लिख सकते हैं, हमें 7 रैशनल नंबर्स लिखने हैं ना, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था चेक कर लेते हैं 60 बाई 75, 35 बाई 75, 60 बाई 75, 35 बाई 75, इन दोनों के बीच में 7 रैशनल नंबर्स लिखने, तो आप आराम से लिख सकते हैं 61 बाई 75, 62 बाई 70, इन दोनों के बीच में लिखने हैं, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको रिमूव करते हैं, बीच में लिखने हैं ना, तो 36 बाई 75, 37 बाई 75, 38 बाई 75, 40 बाई 75, 50 बाई 75, 55 बाई 75, 56 बाई 75, हो गए होंगे 7 रैशनल नंबर्स, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हो चुके हैं। तो आपको प्रोसेस सेम रखना है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, सेम करने का न्यूमिनेटर चेक करेंगे, न्यूमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर ग्रेटर है रिक्वायर्ड नंबर से क्वेश्चन में जो पूछा गया है तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा, अगर डिफरेंस कम है तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है, किसी भी नंबर से वो नंबर आपकी चॉइस का होगा, दोनों रैशनल नंबर्स को आप सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अपनी चॉइस के, ताकि न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस रिक्वायर्ड नंबर के डिफरेंस से बड़ा हो जाए, उसके बाद आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे -1/7 और हम ले लेते हैं 2/3। अब इन दोनों के बीच का हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा डिनोमिनेटर चेक करना है, यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, अब दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, तो क्या स्टेप आएगा, एलसीएम लेंगे हम 7 एंड 3 का और कोशिश करेंगे कि दोनों का एलसीएम जल्दी से निकालें। अब 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, अब दोनों का एलसीएम 21 आ गया, अगर आप चेक कर सकते हैं ऐसे 7 और 3, 7 7 7 3 21, इनका एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 21 बनाना है, तो -1/7, 7 को 21 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करें 7 को, 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक रैशनल नंबर को हम, एक रैशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, -3/21, एक रैशनल नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब दूसरे रैशनल नंबर पर जाते हैं 2/3, अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमें क्या मिल जाए डिनोमिनेटर में, 21,
थ्री इंटू सेवन 21, जिसे नीचे मल्टीप्लाई किया उसे ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14। अब हमारे पास डिनोमिनेटर देखिए सेम आ चुका है, अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर चेक करना है। 14 और 3 के बीच का डिफरेंस 5 से ज़्यादा होता है तो हम सिंपली सीधा आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, -2/21, 0/21, 5/21, 6/21, 10/21, 11/21। आप ऐसे कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं -3/21 और 14/21 के बीच में। तो यहाँ तो कोई डाउट है स्टूडेंट्स, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर चेक करेंगे, अगर न्यूमिनेटर का डिफरेंस रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा है तो सीधा आप आंसर लिख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर का डिफरेंस कम है तो आपको दोनों रैशनल नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस है वो बड़ा हो जाए रिक्वायर्ड नंबर से। उसके बाद आप सीधा उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, नए रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं एज ए आंसर। लास्ट हम केस लेते हैं, मान लीजिए एक केस है हमारा 11/2 और दूसरा केस है हमारा 12/28। अब इन दोनों के बीच में हमें 7 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस क्या होगा, सबसे पहले हमेशा हमें चेक करना है डिनोमिनेटर को, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 28 है, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर 28 है। अब डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारा क्या स्टेप होगा, हम लेंगे एलसीएम। हम किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 28 का। तो चलिए 2 और 28 का एलसीएम लेते हैं और देखते हैं एलसीएम क्या आता है 2 एंड 28 का। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 2 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 14, ये दोबारा 2 पे जाएगा, 7 ये किस पे जाएगा सोचिए, अब जाएगा ये 7 पर क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया आपका 28। फर्स्ट स्टेप आपने चेक किया था दोनों का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है तो हमने क्या लिया, हमने लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया 28। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम हर एक रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 28 बनाएंगे। अब सोचिए हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, सोचिए अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाए। 2 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएगा। और एक रैशनल नंबर को में हम जिस भी नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऊपर भी हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 इंटू 14 देख लीजिए क्या आंसर आएगा, 14 1 4 2 तो ये आ जाएगा 124/28। एक रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर आपने 28 बना दिया, अब दूसरे का भी हम बनाएंगे 12/28 इंटू 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, 1 से जिसे नीचे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 12/28। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ चुके हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर 28 है, यहाँ डिनोमिनेटर 28 है। तो अब हम न्यूमिनेटर पर जाएंगे, न्यूमिनेटर चेक कीजिए, न्यूमिनेटर यहाँ कितना था 124 और -12, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2 1, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 112 और 112 7 से तो बड़ा ही होता है। तो अब आप सीधा आंसर लिख सकते हैं दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में, कौन से रैशनल नंबर्स थे हमारे पास, 124/28 और दूसरा कौन सा था 12/28। अब आप 7 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो आप इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, जैसे 20/28, 30/28, 40/28, 50/28, 60/28, 100/28, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट कोई भी लिख देंगे 101/28। तो ये आपके 7 रैशनल नंबर्स आ गए हैं इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। तो ऐसे आपको निकालना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, इस तरह के मेथड्स को आपको यूज़ इस मेथड को आपको यूज़ करना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए।
तो अब हम प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या आपको करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर चेक करना है, डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अब इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट हम केस क्या ले लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमिनेटर चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर चेक करना है, न्यूमिनेटर चेक करना है। न्यूमिनेटर चेक करने के बाद आपको क्या देखना है कि न्यूमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा है या नहीं। अगर बड़ा है तो आप सीधा उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर्स को लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर डिफरेंस कम है तो आपको हर एक रैशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नंबर आपकी चॉइस का हो सकता है, ताकि जो डिफरेंस है वो रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा हो जाए। दूसरा केस क्या है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, तब आपका एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों डिनोमिनेटर्स का, और जो डिनोमिनेटर है हर एक रैशनल नंबर को उसका एलसीएम के इक्वल बनाना पड़ेगा। जब ऐसा आप करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम बन गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा न्यूमिनेटर चेक करेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंस अगर रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा है तो आप सीधा उन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का नंबर लिख सकते हैं एज ए आंसर। अगर नहीं है तो दोनों रैशनल नंबर्स को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो डिफरेंस है वो बड़ा आ जाए रिक्वायर्ड नंबर से, और आप अब नए रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कैसे हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। इन टुडेज वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। इसमें हमने दो केसेस को स्टडी किया, फर्स्ट केस जहाँ डिनोमिनेटर सेम होता है, सेकंड केस जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, डिनोमिनेटर सेम करो, न्यूमिनेटर चेक करो, और उसके बाद अगर डिफरेंस बड़ा है तो दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के नंबर लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।